सुंदर पथों से सुशोभित थे तथा धन धान्य और समृद्धि से परिपूर्ण थे। दूर दूर से व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने आया करते थे, किंतु ताड़का नामक एक यक्ष कन्या ने उन दोनों राज्यों का विनाश कर दिया। ऋषि विश्वामित्र ने आगे बताया, ताड़का कोई साधारण स्त्री न होकर धुंध नाम के राक्षस की पत्नी और मरीच नामक राक्षस की माता है। उसके शरीर में 1000 हाथियों के बराबर बल है और वह अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली है। इस प्रदेश को नष्ट करने के पश्चात ताड़का ने अपने पुत्र मरीच के साथ मिलकर यहाँ के समस्त निवासियों को मार कर खा डाला। अब उनके भय से यहाँ दो दो कोस दूर तक किसी मनुष्य की परछाई भी दिखाई नहीं देती। भूलवश यदि कोई यहाँ आ भी जाए तो जीवित नहीं लौट पाता। उसी ताड़का का संहार करने के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। हमने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, स्त्रियाँ तो कोमल और दुर्लभ होती हैं, ताड़का में 1000 हाथियों का कैसे आ गया? ऐसा प्रतीत होता है कि अवश्य कुछ न कुछ रहस्य है। जो मित्र बोले, वत्स, तुम्हारा कथन सत्य, पर वास्तव में इसके पीछे एक रहस्य है। केतु नाम का एक अत्यंत बलवान यक्ष था। वह संतानहीन था, तथा संतान प्राप्ति के उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे संतान होने का वरदान दे दिया। परिणाम स्वरूप ताड़का का जन्म हुआ। सुकेतु के द्वारा ताड़का के अत्यंत बली होने का वर मांगने पर ब्रह्मा जी ने उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल दे दिया। विवाह योग आयु होने पर सुकेतु ने ताड़का का विवाह सुंद नामक राक्षस से कर दिया और उससे मरीच का जन्म हुआ। मरीच भी अपनी माता के समान बलवान और पराक्रमी था। वह सुंदर राक्षस का पुत्र होकर भी स्वयं राक्षस नहीं था, किंतु बाल्यकाल में वह बहुत उपद्रवी था। ऋषि मुनियों को अकारण कष्ट दिया करता था। उसके उपद्रवों से त्रस्त होकर एक दिन अगस्त मुनि ने उसे राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। वह अपने पुत्र के राक्षस गति प्राप्त हो जाने से सुंद अत्यंत क्रोधित हो गया और अगस्त ऋषि को मारने दौड़ा। इस पर अगस्त ऋषि ने श्राप देकर सुंद को तत्काल भस्म कर दिया। अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का भी अगस्त ऋषि पर झपटी। इस पर अगस्त ऋषि ने श्राप देकर ताड़का के संदर्भ को नष्ट कर दिया और वह अत्यंत क्रूर हो गई। अपनी क्रूरता को देखकर और अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का ने अगस्त मुनि के आश्रम को नष्ट करने का संकल्प किया है। अतः हे राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ताड़का का वध करो। तुम्हारे अतिरिक्त इसका वध कोई भी नहीं कर सकता। अपने मन से यह विचार निकाल दो कि यह स्त्री है और स्त्री का वध मैं कैसे करूँ। स्त्री के रूप में यह एक घोर पाप है और पाप का वो नष्ट करने में कोई पाप नहीं होता। समस्त संयम को त्याग कर मेरी आज्ञा से तुम इस पापनी का संहार कर दो। राम ने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा मुझे निरोधार है। समस्त मानवों के कल्याण के लिए मैं अवश्य ताड़का का वध करूंगा। इतना कहकर राम ने अपने धनुष पर बाण रखा, उसकी तंचा को कान तक खींचकर भयंकर टंकार किया। टंकार से उत्पन्न ध्वनि से समस्त वन गुंजायमान हो उठा। वन प्राणी प्रभावित होकर इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार की अप्रत्याशित बलवाली मची देखकर ताड़का क्रोध से भर उठी। धनुष ताने राम को देखते ही इस विचार से कि कोई परिचित कुमार उसके साम्राज्य पर अधिपत्य करना चाहता है, वह क्रोध से पागल हो गई। राम पर आक्रमण करने के लिए वह तीव्र गति से उन पर झपटी। ताड़का को अपनी ओर आते देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्री, ताड़ के वृक्ष जैसी विशाल और विकराल मुख वाली इस राक्षसी का शरीर कितना कुरूप है। इसकी मुख मुद्रा देखकर ही प्रतीत होता कि यह बड़ी हिंसक है और निजी प्राणियों की हत्या करके उनका रक्त पान करने में इसे बहुत आनंद आता होगा। तुम एक तरफ सावधान होकर खड़े हो जाओ और देखो कि कैसे इसे मैं अभी यमलोक भेजता हूँ। विकराल देह धारणी ताड़का अपने बड़े बड़े दांत चमकाती भुजाओं को फैलाए हुए पुत्र गमी बिजली की तरह राम और लक्ष्मण अत्यंत तीव्रता से के साथ झपटी। राम इस भयंकर आक्रमण के लिए पहले से ही तत्पर थे। उन्होंने तीक्ष्ण बाण चलाकर उसका हृदय को छलनी हो कर दिया। उसके वृक्ष स्थल से गर्म रक्त की धारा प्रभावित होती। वह आक्रमण करने के लिए पुनः टूट पड़े। इससे पूर्व ही राम ने एक और बाण चला दिया जो सीधे उसके वृक्ष में जाकर लगा। वह पीड़ा से चीखती हुई चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी और अगले ही क्षण उसके प्राण बखेरों उड़ गए। राम के इस रण कौशल और ताड़का की मृत्यु से ऋषि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मुख से रामचंद्र के लिए आशीर्वचन निकलने लगे। गुरु की आज्ञा से वहीं पर सभी ने रात्रि व्रतित किया। प्रातःकाल उन्होंने देखा कि ताड़का के आतंक से मुक्ति पा जाने के कारण उस वन की भयंकरता और विकरालता समाप्त हो चुकी है। कुछ समय तक उस वन की शोभा निहारने के उपरांत स्नान पूजन से निवृत्त होकर वे महर्षि विश्वामित्र के आश्रम की ओर चल पड़े।